एपिसोड का स्टार्टिंग भी हमारा पिछले एपिसोड के एंड से होता है, जहाँ पे एक लड़की आ रही होती है जो उन पर कहती है तो हमारे स्कूल की यूनिफॉर्म है। फिर वहाँ पे मिजोनो पीछे से खड़े रहती है और लड़की कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें वो बिल्ली का श्राप पड़ा है। जुन पर डर जाता है ये बात सुन के और पहली फुर्सत में निकल जाता है। फिर वो सोच रहा होता है कि उसे कैसे पता चला बिल्ली के श्राप के बारे में। ये बात ना वो नेमासु को बताता है। नेमासु कहते तुमको बताया नहीं सीक्रेट रखने के लिए, और तू और बिल्ली दोनों पे बदकिस्मत आएगी, दोनों की और बढ़ेगा। ठीक है, फिर जुन पर कहता है कि मैं उससे कल स्कूल में बात करूँगा जाके। फिर स्कूल की सीन दिखाया जाता है सुबह का, जहाँ पे सारे बच्चे रहते हैं और हमारा वो फिर वहाँ पे कनाको और नागी संपाई और मिजोनो लंच कर रहे होते हैं। फिर ना वो पता नहीं क्या डॉग फूड ले आती मिजोनो, फिर वो देख के क्या हैरान हो जाती है और चले जाते, कहते कि मैं ब्रेड खरीदने जा रही हूँ। फिर ना नागी पूछती इसको हो क्या गया है, कनाको कहती है हाँ म्यूजियम पार्क से जब से आया ना ये इंसिडेंट हुआ था ये वाला। फिर कहते कुछ तुम कुछ प्लानिंग तो करनी करी नागी, नागी कह रहे मेरे को मत ब्लेम करो मैंने कुछ नहीं किया जुनपाई। ठीक है, फिर वहाँ पे ना कुछ लोग उसके दोस्त ना जुनपाई के बारे में बातें कर रहे थे ना, एक लड़की से वो बात कर रहा था उसे प्यार तो नहीं करता क्या नहीं। वहाँ पे ना जो हमारी कनाको आके बोलते सच बता दो मेरे को बड़ा दिलचस्प है इस बात में, जल्दी बताओ मेरे को जो भी बात है जुनपाई के बारे में। कह रहे कि ऐसे नहीं पूछते, नागी बोलती है कि ना इसे प्यार से पूछो ऐसे जल्दी बताओ नहीं तो कि तुम्हारा क्या हो। कह रहे हाँ मैं बड़ी खुशी से बताऊँगा। और ना यहाँ पे हमारा जुनपाई रहता है वो लड़की को ढूंढ रहा होता, कह रहा है यहाँ पे बहुत सारी दो चुटिया वाली लड़की रहती है किस किस को ढूंढूँ। वहाँ पे एक लड़की आती है, ठीक है, फिर वो कहते हैं कि ना तुम्हारे लिए से तुम पढ़े लो सेनपाई। ठीक है, वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं। फिर वो बोलते क्या ये लेटर, ठीक है, वो कह रहे हाँ तुम इससे मेरे को कल के बारे में बात करने के लिए। वो चले जाती है, फिर वो कहते हैं कि किसका है, किसी में कनाटो। ठीक है, फिर पढ़ते हैं कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, उनको देख रही थी मेरे को तुमसे ये है वो है, और ना तुम डेट पे चलोगे। फिर ना एक लड़की आते वापस वही, फिर कहते हैं ना आई हेट मेरे को तुम पसंद नहीं हो फालतू का, ये किसी और को क्या, ये पहले मेरे को लेटर देती है फिर लेटर से हटा देती है एक सेकंड मेरे से तुमसे कुछ बात करनी, जिन पर बोलता है। और वो कहते हैं हाँ मेरे को भी तुमसे बात करनी है, तुम ना स्कूल के बाद उस टेम्पल में आ जाओ। ठीक है जिन पर, फिर ना वहाँ पर ना मिजोनो सोच रही होती कि लड़की कौन थी, क्या था वो, ठीक है, रात के शराब के बारे में क्या उसका जिंदगी, क्या शराब के बिल्ली के स्टैचू क्या बात चल रही थी। और ना कनाको भी और ना नागी सब ना जुनपे को देख रहे थे, जुनपे का डर के मारे सोच रहा था कि मेरे को ऐसे क्यों देख रहे हैं। और शाम हो जाती है, वो ना स्कूल की छुट्टी होने के बाद वो आता है वहाँ पे, करिए मैं यहाँ पे आ गया। वहाँ पे तामा भी रहती है, फिर वहाँ पे नेमासु पूछे तुमने कुछ तरक्की करा आगे बढ़े, कह रहे तुम क्या कह रहे हो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। एक बिल्ली आती है उसका नाम नियोरे रहती है, वो यहीं पर रहती है तामा के साथ। फिर ना वो बोलते हैं कि ना मैं यहीं पर रहती हूँ, और फिर वो बोलते नहीं और अच्छा। फिर पीछे एक लड़की आए थे वही वाली, फिर कहते कि ना तुम पे जल्दी आ गए क्या, ठीक है तुम कैसे तुमको कैसे पता इसके बारे में बिल्ली के श्राप के बारे में। ठीक है, और तुम इतनी जोर से मत कहा करो, मैं देख सकती हूँ मेरे में पावर है, मैं किसी का भी ना कोई कर्ज चीज़ देख सकती हूँ श्राप की चीज़। ठीक है, मेरे को ये मतलब तो देखा है तुम्हारे ऊपर से ज़्यादा ही आ रहा है और कर्ज वाला क्या मेरे से। ठीक है, क्रम कुटोन रहता है, और फिर वो बोलते हैं ना तुम तो पागल मत बनो, उसने तुमको भेजा ना कि मैंने। ठीक है, वो लेटर जो उसने भेजा था ना वो ये नहीं थी, इसकी दुर्वा बहन थी। तो वो बता रही है कि ना उसका बर्थडे अलग है, वो अलग है, उसकी ब्लड टाइप अलग है, उसके चमड़ा की सब कुछ थोड़ा बहुत अलग है। ठीक है, शक्ल बस थोड़ी बहुत सेम है ना, तो उसकी हरकतें खाना पसंद जो भी सब अलग है, तुम देख सकते हो। क्या तुम पागल हो गए, जिन पर कहता है नहीं तुम उसे पसंद करते हो ना, तुम नहीं मैं नहीं करता, मैं तो पहली बार मिला हूँ। ठीक है, फिर ना सारे उसे देख रहे होते हैं, अगर भूल जाओ तभी तो मेरे को पागल नहीं बना सकते उस लड़की का। तामा को पकड़ती है तो मेरे को सच बताओ तो ये बिल्ली को मैं फेंक दूंगी, ये कर दूंगी, चुपचाप बता दूँ लड़की से दूर रहो तुम। ठीक है, करे एक सेकंड रुको, जिन पे कहते हैं ऐसा मत करो पहले बात कर लेते हैं हम, करे कोई बात नहीं चलेगा। फिर ना तामा को उठा के फेंक देती है, करें जिन पे बचने के लिए अपना बैग आगे ले आता है और तामा के मुँह पर लग जाता है और हमारा तामा गिर जाता है। कह रहा क्या तुम मेरे को पकड़ नहीं सकते थे मास्टर, तुम कितने गंदे हो। ठीक है, फिर कह रहे क्या या नियमा से, कह रहे बच्चों बीच में लड़ाई कर रहे हैं। फिर वहाँ पे कह रहा फिर से कहूँगी तुमको दोनों से दूर रहो, कह रहा मैं तुमसे भाई तुम तो वही तो तुम हो। ठीक है, उसे गुस्सा मार देते, पीछे जाता है और पीछे एक लड़की रहती है, पीछे वो लड़की देख के हैरान हो जाता है। फिर क्या तुम भी, तो वो पूछते तुम ठीक हो ना जुनपाई सेनपाई, इसका क्या मतलब है कारी चैन। फिर देखो तो ना तुम्हारे क्या, तुमने मैं नहीं चाहता एक गधे बच्चे से तुम प्यार करो। ठीक है, कर क्या गधा, गधे से मतलब नहीं, तुम पहले भी ऐसे कर चुके हो जिससे भी मैं प्यार करती हूँ उसे भगा देते हो, फिर ना मैं तुमको प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। ठीक है, अगर क्या मतलब प्रोटेक्ट, तुम दोनों ट्विन्स हो। जुनपाई हैरान रहता है, वो उधर जाकर उसकी चाटा मार देता है, अरे तुमने अपना हद पार कर दी। ठीक है, कर क्या मॉम डैड ने डिवोर्स ले लिया, तुमको अलग रहना पड़ता था, मैं तुमको खोना नहीं चाहती। ठीक है, तुम किसी के साथ ना जाओ, ये सुन तामा देख रहा होता है और ना अगर कि तुम तो लड़ो मत। ठीक है, जुनपाई कहता है कि, फिर वो कहता है कि ना चलो तुम उसके बारे में भूल जाओ मैं यहाँ से जा रही हूँ। जुनपाई कहता है रुको, ठीक है श्राप के बारे में क्या है, कह रहे तुमको पता भी कौन सी सिचुएशन के अंदर तुमको श्राप का पड़ा है पागल। फिर वो गिरने लग जाती है, फिर ना जुनपाई भी उसे पकड़ने के लिए पकड़ता है और कहता है कि ना मेरा श्राप मेरी गलती की वजह से उसको भी पड़ रहा है, तो उसे बचाने की कोशिश करता है और दोनों गिर जाते हैं।
उसके बाद हम ब्लैंक हो जाती है स्क्रीन, फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है वहाँ पे, फिर वो उठती है कि हमारी अकारी चैन, फिर वो बोलते मेरे को लगा मर जाता मैं, जुन पे कहता है, फिर उधर उसकी बहन आती है ठीक है, फिर वो बोलते कि मेरे को माफ़ करो, कैरी कहती है मेरे को माफ़ कर तुम मर नहीं सकते अभी ये वो ठीक है, जुन पे वो काम ख़त्म हो जाता है। वहाँ पे हमारी आती है चिजुरू, वो कहते हैं जुन पे ने एक लड़की को डाल दी बैड बॉय ठीक है, फिर ये हमारा सीन शिफ्ट होता है, फिर बताता है कि ना नॉर्मल हमने ये बात बात कर रहे हैं तुम्हें टारगेट लिस्ट बनाया क्योंकि तुम्हारे कर्ज है, मेरे को माफ़ करो जितनी गलती हुई, अगर कोई बात नहीं इसके बारे में भूल जाओ, नया मौसम कर चलो ये सब अपना साथ हो गए, अब किसी बात का रोना धोना नहीं होगा। फिर तामा फिर वो लड़की जो बिल्ली रहती है ना दोनों में लड़ाई करने लग जाते हैं दोनों भी, फिर कह रहा है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी तुम्हारे श्राफ को हटाने में ठीक है जितना हो सकता है, हाँ जब कुत्तों ने कहना चाहती तो मैं भी कर लूँगी, तुम दोनों का शुक्रिया तुम कितनी अच्छी लड़की हो ठीक है। फिर वो कह रहे कि ना तुम उसके दूर रहो उससे तुम ज़्यादा चिपको मत ठीक है, फिर लड़की कहती है ना मेरे को मिस फॉर्च्यून जिसकी बस किस्मत वाले बच्चे पसंद है लोग ठीक है, ये देख के ना डर जाता है जुनपाई ठीक है, स्टॉकर आदमी जैसे नहीं तो जो पीछे पड़े रहते हैं पागल जैसे, अरे बिल्कुल नहीं। और जुनपाई का घर का सीन दिखाया जाता है, कह रहा कि तुम्हारी आज छुट्टी है ठीक है और तुम लेजी मत बनो, तुम्हारा ना काम करना पड़ेगा तुमको नहीं तो तुम्हारा कुछ हो जाएगा। नीचे कोई आता है फिर ना वो सोच रहा होता है कि ना जो मिजो ने उसे गिफ्ट दी होती है, फिर वो उसके बारे में सोच रहा होता है मिजोनो के बारे में, फिर लेटा रहता है कह रहा भूल जाओ उसके बारे में। और फिर ना फिर उसकी बहन कहती है नीचे तुमसे कोई मिलने आया है, फिर क्या कोई लड़की आई है उसकी बहन कहती है, फिर कहते क्या, फिर वो दोनों आई रहती है कह रही कि तुम हेलो सनपाई ठीक है तुम दोनों यार तुम अजीब दिख रहे हो, फिर उसकी ना मम्मी कहती है ओ देखो देखो दो लड़की आई है ये तुम तो पॉपुलर हो गए बहुत ज़्यादा, आज मैं खाने में अच्छा चीज़ बनाऊंगी आ हा 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 ठीक है। तुम इन दोनों को बाहर ले जाता है घींच के, जो पाई कहता है कि ना यहाँ पे तुम क्यों कहा आई हो यहाँ पे, हम ना श्राप के बारे में आए हैं कुछ करने के लिए ठीक है, कुतोने ने कहा था। फिर कह रहे तुम्हारा शुक्रिया वैसे तुम मेरी मदद कर रहे हो, कह रहे तुमने स्टैचू कहाँ पे है ठीक है, वो कह रहे कि मैंने अभी तक 20 बिल्ली की मदद कर रखी है स्टैचू से जो मेरे को श्राप मिला था, अरे तुमको कम से कम एक तो करना चाहिए एक दिन के अंदर, फिर क्या मेरी भी तो अपनी खुद की ज़िंदगी रहती है, अरे क्या तुम मरना चाहते हो तुम बिल्ली बनना चाहते हो तो मर जाओ जाओ, अरे तुम दोनों का क्या मतलब उससे, वैसे भी मैं करूँगा ना तुमको कोई मतलब पता चला इसका कोई समस्या का हल, लेकिन ना हाँ तो एक स्पेल वेल है हमें पता इतना पावरफुल तो है नहीं हम कि जो हम कर सके, थोड़ा बहुत हमको जानकारी है उसके बारे में, जिन पर कहता अच्छा ठीक है मैं खुश हूँ कि तुम दोनों को ये प्रॉब्लम नहीं करेगा श्राप तुम मेरी मदद करोगे तो ठीक है, फिर कह रहे कि ना वो न्यूयॉर्क की वजह से न्यूयॉर्क की रिक्वेस्ट पूरी कर दो, कह रहे कि ये दोनों लड़ते रहते हैं ठीक है, इन दोनों को साथ में रहने दो, ये न्यूयॉर्क है और ये वाली तामा है, इन दोनों की अलग अलग बिल्ली है इन दोनों फादर का ठीक है। फिर ना ये क्या कहते हैं ये तो तुम्हारा मॉन्क वही जो बूढ़ा पंडित रहता है वो इसी इन दोनों का पेरेंट्स बापा रहता है बाप ठीक है, फिर कहता है चलो मैं ठीक है तुम्हें रिक्वेस्ट बताओ मेरे को नहीं रहना, ये मेरे से फालतू की टाइप बोलता रहता है। फिर हमारे वो शाम में ये बेंच पे बैठे रहते हैं और यहाँ पे ना कह रहे कि मैं तुम्हारी बात नहीं सुन सकता, जुन पे कहता है तो यार तुम सर में दर्द हो यार, कहते ये तो मेरे से ज़्यादा टाइम लगा रहा है सोचने के, लेकिन ना जो तामा बिल्कुल बेकार है वो अब मेरे को इज्जत नहीं देता मेरे से फालतू बोलता रहता है ठीक है, जब भी बात करो पागलपंती करता रहता है, क्या तो क्या मतलब तुम्हें पागलपंती, तुम वैसे भी इतनी क्यूट नहीं दिखती ठीक है, जाओ बता दो उसको मास्टर, कह रहे क्या मतलब पागल कहेंगे तू पागल रहते दोनों लड़ाई कर रहे होते, कह रहे तुम दोनों यार दिमाग में सर में दर्द हो चलाने लग जाता है जुन पाई, तुम दोनों को एक साथ रहना पड़ेगा तुमको दोस्त बनना पड़ेगा ठीक है, कह रहे नहीं मैं नहीं ऐसे करूँगी, वो बिल्ली कहती नहीं और ठीक है, वो कह रहे कि ना मैं नहीं रह सकती मैं ना क्या कहते हैं मैं जब रहती थी ये पागल से गंदा बिल्ली आया पागल सा ठीक है भंगी रोड सुरक्षा मास्टर के साथ रहने लग गया धीरे धीरे मेरे साथ, मैं कहाँ रहती थी वहाँ पे, फिर धीरे धीरे ना ये बहुत खुशी किस्मत में देखिए लकी रहा मास्टर इसको ज़्यादा प्यार करने लगे, इसे भर पे ब्रांडेड चीज़ खिलाने लग गए, मेरे को ऐसी खटिया सी चीज़ दिलाने लगे, मेरे से ज़्यादा इसे बिस्तर दे लेने लगे मेरे को खटिया में ठीक है, हर चीज़ महंगी महंगी उसको देते थे तामा को और ना मेरे कुछ नहीं देते थे, मेरी लाइफ झंड बन चुकी है न्यूयॉर्क कहता है, तो मेरी गलती नहीं ठीक है, फिर कहते हैं ना वो पंडित की गलती इसकी थोड़ी गलती ठीक है, ऐसी बात नहीं है तुम भूल जाओ और साथ रहो, करे मैं नहीं रह सकती न्यूयॉर्क बताता है ठीक है, यही नहीं और भी बात है कुछ ठीक है, कह रहे कि यार कितने बात हो गए यार ये दोनों, चले तुमको तामा पसंद तुम तामा को पसंद करते हो, करे नहीं मैं कभी नहीं पसंद करती ना मैं किसी कभी माफ़ कर सकती हूँ ठीक है, अरे यार तुम इसके साथ कर लो यार सुलह मतलब कि बन जाओ, अरे कि फिर वो बोलते हैं ना तामा से यार तुम भाई माफ़ी मांग लो और तुम अच्छे से हो जाओ, वो लड़की बस ही करेगी यार क्यों मैं क्यों माफ़ी मांगू, तामा कहता है तुम अच्छे दोस्त बन सकते हो पुराने दिन जैसे, क्या दोस्त बन सकते हम, जुन पे कहता है हाँ तुम साथ में घूम भी सकते हो बस तुमको माफ़ी मांगनी है, फिर ठीक है, फिर बोलते चलो ऑल सेट हो गया अब चलो करते हैं, फिर वहाँ पे ना वो दोनों बिल्ली जो लड़की रहती है कहते हैं हम जा रहे थे ये दोनों जा रहे रास्ते में अलग अलग रास्ते से अलग अलग ठीक है, कह रहे हैं तुम पागल हो गए बिल्ली लोग तुम बिल्ली हो ठीक है, फिर यहाँ पे मिजोनो सोच रही होती है जुन पे के बारे में क्या कौन लड़की थी वो क्या थी ठीक है, वहाँ पे जुन पे भी आ रहा होता है, वहाँ पे न्यूयॉर्क और वहाँ पे हमारा तामा रहती है,
अरे ये सड़क बहुत खाली लग रही है, मैं यहाँ पे लेफ्ट राइट कुछ नहीं आ रहा, मेरे को न्यूयॉर्क से कुछ कहना चाहिए। अरे यार सर में दर्द है, न्यूयॉर्क कहती है तामा। ठीक है ये ना, जब मैं इसे पहली बार मिली थी ये बहुत अच्छा था, और ये थी वो थी, अब बेकार हो गया, ये हो गया। ठीक है मेरा दिमाग खाने लग गया। ठीक है हर चीज़ में कुछ बुद्धू कहीं का, हर चीज़ में मेरे से मदद मांगते। फिर वहाँ पे ना मेरे दोनों के कुत्ते आ जाते हैं। ठीक है ये दोनों डर जाते हैं, कैट दोनों। ठीक है फिर यहाँ पे तामा आ जाती है बचाने के लिए, कर तुम साइड हटो न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहते क्या थामा। ठीक है फिर ना न्यूयॉर्क की तामा की खुद फट जाती है थोड़ी देर में धीरे धीरे, और ना वो सैड हो जाता है, कह रहा कि मैं करूँ क्या, मैं तो तब भी ये डरावने लग रहा है, मेरे मास्टर मदद करो मेरी। ठीक है मास्टर अपना ही चला रहा काम। ठीक है यहाँ पे मिजोन आ जाती है, मेरे को माफ़ करो, ठीक है तुमको डरा तो नहीं दिया। कह रहे क्या मिजोनो, वो कहते हैं जुनपाई। ठीक है तुम भी यहाँ से वॉक पे आ रहे हो। हाँ तुम भी, जुनपाई कहते हैं हाँ। और ये बिल्ली, दोनों कुत्ते से बिल्ली को चाट रहे होते हैं, और न्यूयॉर्क कहते हैं कि तू अपनी जीभ हटाओ उस तामा से। ठीक है फिर तामा रोने लग जाता है, फिर क्या देखता है कि तुम्हारा शुक्रिया न्यूयॉर्क, तुम बहुत अच्छे हो, मैं बिल्कुल यूजलेस हूँ तुम्हारे बिना, तुम मेरे साथ रहते हो तुम बहुत अच्छे हो। फिर क्या तामा ठीक है, मैं क्या कितना अच्छा हूँ तुमसे मिला, बहुत मस्त रहा तुम्हारे से मुझे मुलाकात हुई। ठीक है फिर वो दोनों सोचने लग जाते हैं जो अम्यूजमेंट पार्क में जो हुआ था। ठीक है कुछ बोल नहीं पाते एक दूसरे से। ठीक है दोनों ट्राई करते हैं कि पहले तुम बोलो पहले तुम बोलो। ठीक है कह रहे कि तुम लड़की कौन थी जो जिससे तुम पिछले दिन बात कर रहे थे वो शराब वराब के बारे में कुछ। फिर ना जिन पे कहता है नहीं तुमने सुन लिया क्या, कह रहे कि हाँ थोड़ा बहुत सुना। अरे यार मिजोनो भी फंस जाएगी उस शराब के चक्कर में। करे नहीं वो नहीं, कुछ और मतलब है इसका, ये वो। ठीक है उसे ध्यान भटकाना चाहता था क्योंकि ना उसको श्राप नहीं पड़ना चाह देना चाहता था, क्योंकि ना जिसको पता चल जाएगा उसको भी श्राप लग जाएगा। ये नहीं चाहता था कि ना जुनपाई मिजोनों को पड़ जाए। फिर ये दोनों बात करें, तुम इतने ताकतवर नहीं होते ना, अकेले मत घुमा करो। न्यूयॉर्क कहती है क्या मतलब, वैसे भी तुम ना थोड़ा क्यूट हो कि एक्ट कर सकती हो, जिससे मैं तुम नहीं करोगे तो तुमसे कोई शादी नहीं करेगा, बिल्ली काली बिल्ली को कह रहा होता तामा। ठीक है कह रहे मैं तुमसे सुन सकता हूँ। फिर हमारा ना जुनपाई गुस्सा आ रहा होता कि दोनों बार बार लड़ाई कर रहे होते फालतू का। ठीक है दोनों अब शांति नहीं हो रहे, कह रहे फालतू के दोनों लड़ाई कर रहे होते हैं, इसके दोनों शांति नहीं हो रही, थोड़ी देर के लिए शांति होती है। कह रहे तुम दोनों शांत हो जाओ नहीं तो तुमको छोड़ूंगा नहीं। मिजोनो डर जाती है इसके ना ये जो व्यवहार है इसके जो बिहेवियर से, और भाग जाते। कह रहे मेरे को माफ़ करो, मेरे को पता था ये होगा। फिर दोनों आ जाती है, हमारी अकारी चैन और कोटोनो दोनों आ जाती है, कह रहे कि मेरा आज का हो गया कोटा पूरा। करे फिर वो दोनों पूछते कि तुमको आइसक्रीम चाहिए। फिर वो तामा कहते मेरे को माफ़ करो मास्टर मेरी गलती वजह से। फिर वो कहती है ना न्योर कि आज मेरे को मज़ा आया तुम्हारे साथ घूमने में। शाम हो जाती है ना, पार्क में बैठे रहते हैं वहाँ पे ना मिजोनो भी रहते हैं, और ये तीनों आइसक्रीम खा रहे होते हैं, कह रहे हैं ये तो अच्छे लग रहे हैं। फिर उसके बाद ना शाम हो जाता है, फिर कह रहे फिर ना हमारे स्टेशन का दूसरा का सीन शिफ्ट होता है, वहाँ पे ना हमारी कनाको रहते हैं। कह रहे दोनों दो दो चिड़िया लड़के कौन थी, अभी मिजोनो रो रही होती है, आंसू आ रहे होते उसके। ठीक है कल कुछ नहीं हुआ। ठीक है कनाको पूछते तुम इतने दुखी क्यों लग रही हो। फिर वो पूछते हैं ना कि जो जुनपाई था ना, फिर ना कनाको को गुस्सा आ जाता है, पूरी बात नहीं सुनती। ठीक है फिर वो आधी बात सुन के ही ना गुस्से में हो जाती है। फिर वहाँ पे हमारे नागी और उसका मेन बटलर जो बॉडीगार्ड रहता है ना, वो कहता है कि ना वो चल रहे होते, वो कह रहे कि ना चलो ढूंढते हैं उसको। ठीक है फिर वो पूछते हैं कि ना एक्सक्यूज़ मी, वो ये तुम आपने कोसाको मतलब कि जुनपाई की फैमिली को देखा आसपास। ठीक है कह रहे जुनपाई हाँ मैंने उसे पार्क में देखा है दो लड़कियों के साथ। ठीक है फिर वो दोनों हेर पत्थर के बन जाते हैं, थोड़ा वो झटका लग जाता है इनको। ठीक है फिर कह रहे कि ना जैसे वो ना थोड़े छोटे थे मेरे को अच्छा लगा। फिर ये दोनों गुस्से हो जाते हैं बहुत से ज़्यादा, फिर ये अपने आप को बंदूक निकालने लग जाता है। फिर ना ये इनका मुंह पोछ रही होती है कि ना आपके हमारे मुंह पे वो लग गया आइसक्रीम हमारी जो आकारी रहती है। फिर ये सारे भागते हुए आते हैं फालतू के, और ना रैपट रैपट लात घूसे। ठीक है सब मारने लग जाते हैं उसको। ठीक है कह रहे तुम कर क्या रहे हो। ठीक है मिजोनो कहते हट जाओ उसे मत मारो इतना भी। और फिर इसके बाद ना वो उसे उठाते, कह रहे मैं ना सिर्फ बात कर रहा था। ठीक है और ना मैं बिल्ली पर चिल्लाया था ना कि मिजोनो पे, जो मिजोनो को बुरा लग गया था। मिजोनो कहते मेरे को माफ़ करो मैं डर गई थी अचानक में। फिर जिन पर कहते कोई बात ही नहीं मेरे को माफ़ करो तुमको हैरान करने के लिए अचानक से ही। ठीक है फिर कहते तुम दोनों कर क्या रहे हो और वो दोनों है कौन। ठीक है फिर यहाँ पे नागे कहते तुम दोनों हो कौन। ठीक है तुम्हारी केयर, वो कह रही नहीं मेरे को कोई मतलब नहीं, तुम सैड हो तुम अजीब हो। ठीक है फिर कह रहे कि ना ये ना वो पंडित के ना वो डॉटर्स है। ठीक है कह रहे अच्छा। फिर वो कनाको कहती है ओ मुझे लगा कि ये कुछ और है। फिर यही हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। तो गाइस हमारे जो 8 सन वाला एपिसोड पर बहुत सारे कॉपीराइट क्लेम आ गए थे, इसलिए हमारे सारे वीडियो डिलीट हो गया।